प्यारे छात्रों अभिनंदन। आपका मेरे YouTube चैनल एक यूजर करियर स्मार्ट ट्रिक्स में स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पी गोयल है और मैं आज आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ बहुत ही जबरदस्त टेक्निक, जिससे आप भूलना भूल जाओ, भूलना भूल ही जाएंगे, भूलेंगे नहीं आप कभी। दिस इज ए वेरी यूजफुल मेमोरी टेक्निक, जिसके द्वारा आपको आज हम फोर्ब्स टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2018 याद कराएंगे। यहाँ पे एक दो आपको दिख रहे होंगे, एक दो पर्सन रिचेस्ट पर्सन दिख रहे होंगे जिनके नाम शायद आप जानते भी होंगे, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। तो देखिए दोस्तों, आप हम कैसे याद करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने यूट्यूब चैनल में खोल के हमारे ए टू जेड करियर्स टाइप कीजिए। ए टू जेड करियर्स को टाइप करके वहां पे आप सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसी के बराबर में एक, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक बेल का आइकन होगा, उस बेल के आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी यूट्यूब समय से मिल जाए दोस्तों। और आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत मेमोरी टेक्निक हमने इन दी हुई है। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन आप कैसे याद करेंगे, मैं आपको एक एक्रोनिम टेक्निक से एक शॉर्ट फॉर्म याद करा रहा हूं। आप इस शॉर्ट फॉर्म को याद कर लीजिए, बहुत ही आसान टेक्निक है। देखिए, JBWBMACCDL, ये 10 नाम है, 10 टॉप रिचेस्ट पर्सन के फर्स्ट लेटर हमने लिए हैं और याद करना बड़ा ही आसान होगा दोस्तों। देखिए मेरे साथ बोलेगा, जब, JB, जब, W means हम BMW लेने गए, जब हम BMW लेने गए, WBM है ना, तो BMW आप याद आ जाएगा, BMW एक फेमस कार है। जब VW हम BMW कार लेने गए, तो AC उसमें हमने AC लगवाया, डबल लगवाया AC, और DL हम DL ले जाना भूल गए अपना। तो देखिए दोस्तों, जब से जे, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन नंबर वन का नाम जे से शुरू होता है और इनका नाम है दोस्तों जेफ बिजोस, और ये अमेजन कंपनी के मालिक हैं। अमेजन का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है। जेफ बिजोस, जेफ बिजोस में है, जेफ बिजोस में है क्योंकि वो नंबर वन रिचेस्ट पर्सन बन गया है। और यहां पे हमने दोस्तों देखिए कंपनी का नाम और उनकी नेटवर्थ भी दी हुई है, इन्हें भी आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं, $112 बिलियन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वर्ल्ड नंबर टू, JB में बी वर्ड लीजिए और बी से आपको तुरंत याद आ जाएगा, वर्ल्ड नंबर रिचेस्ट पर्सन नंबर टू बिल गेट्स, और ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन्होंने ही बनाई थी, $90 बिलियन इनकी संपत्ति है और यूनाइटेड स्टेट के रहने वाले हैं। तो JBWBMACCDL, जब हम BMW लेने गए, AC लगवाया डबल, और DL ले जाना भूल गए। तो J से हो गया जेफ बिजोस, B से हो गया बिल गेट्स, और W से वर्ल्ड नंबर थ्री है वॉरेन बफेट। वाह भाई वाह, तू तो बफेट बन के आ गया, यहां पे नंबर तीन पे आ गया। और ये बर्कशायर हैथवे के सीईओ हैं, इन्हें ओराकल ऑफ ओमाहा भी कहा जाता है, ये भी यूनाइटेड स्टेट के हैं और ये एक इन्वेस्टर हैं, बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं, और कहा जाता है इनके बारे में इनकी मेमोरी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। ये जहां पे काम करते हैं इन्वेस्टमेंट में, वहां के सभी एम्प्लॉइज के नाम जानते हैं, सभी एम्प्लॉइज के बच्चों के नाम जानते हैं, सभी एम्प्लॉइज के बर्थडे जानते हैं, और सुबह से शाम तक ये विश करते रहते हैं, और इन्हें 20-20 साल पहले के शेयर्स के रेट भी याद रहते हैं, और शेयर्स में पैसा लगाते हैं वॉरेन बफेट, बर्कशायर हैथवे, और ये काफी बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी लिए बैठे हुए हैं, वॉरेन बफेट। तो JBW, आपको तीन तक नाम याद हो गए हैं रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए दोस्तों, चौथे नंबर पे जो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है, वो बी से याद करना होगा आपको, बर्नार्ड एर्नोल्ड। जैसे कि आपने एर्नोल्ड स्वेगनेगर का नाम सुना होगा, बर्नार्ड, उनका बर्न हो गया हार्ड, लेकिन बर्नार्ड एर्नोल्ड को आप दो तीन बार याद करेंगे तो दोस्तों याद हो जाएगा। LVMH कंपनी की है, LVMH कंपनी के सीईओ हैं और ये फ्रांस के हैं दोस्तों, ये आपको याद हो जाएगा। पांचवें नंबर पे देखिए, M से याद आ गया, फोटो देखते ही याद हो गया, फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, इनकी नेटवर्थ $71 बिलियन बोली जाती है, और USA के हैं, USA के सबसे ज्यादा टॉप 10 में रिचेस्ट पर्सन बिलियनर ही आए हुए हैं दोस्तों, आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। तो पांच नाम तो आपको याद हो गए होंगे, अभी इस वीडियो को खत्म करने के बाद एक बार हम वीडियो दोबारा चलाएंगे और आप देखेंगे आपको ये सारे नाम आसानी से याद हो जाएंगे। और दोस्तों उस समय आप अपनी साउंड बंद कर दीजिएगा जब आप दोबारा देखें अपना टेस्ट लेने के लिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और इनको लिखने की कोशिश करें, एक दो बार वीडियो आपको देखेंगे तो आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे।
छठे नंबर पे आते हैं दोस्तों ए, ए सी सी डी एल, ये पांच नाम है ए सी सी डी एल। ए से जो नाम बनता है एमा निको ओर्टिगा, एमा निको ओर्टिगा, ये यूरोप के रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं, यूरोप में नंबर वन इनका नाम आता है एमा निको ओर्टिगा। एक मैन सीओ से और आ गया, ओर्टिगा और टिक गया, ए मैन सीओ से और टीगा, एक मैन और आ गया यूरोप से रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड में, तो आप इसे विजुअलाइज कर सकते हैं दोस्तों एमानिसियो ऑर्टिगा। सातवां नंबर देखिए सी से, ये हैं कार्लोस स्लिम हेलू एंड फैमिली, ये मैक्सिको के हैं, मैक्सिको के रहने वाले, लेकिन ये अमेरिका की मोबिल, लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी मोबाइल टेलीकॉम कंपनी है अमेरिका मोबिल। कार्लोस स्लिम हेलू, कार में लॉस हो गया था तो इन्होंने स्लिम हेलू, स्लिम करके एक मोबाइल बनाया, बहुत ही स्लिम मोबाइल बनाया, बनाया नहीं लेकिन हम याद कर रहे हैं दोस्तों, कार्लोस कार में लॉस हुआ, स्लिम हेलू स्लिम मोबाइल बनाया, हेलू हेलू अपने आप बोलता है वो, कार्लोस स्लिम हेलू वर्ल्ड नंबर सेवन है। तो जैसे ही दोस्तों आप ये देखेंगे जे बी डब्ल्यू बी एम ए सी सी डी एल, इससे आपको याद होते चले जाएंगे। अब देखिए वर्ल्ड नंबर एट, वर्ल्ड नंबर एट और वर्ल्ड नंबर नाइन पे दोनों भाई हैं ये, और वर्ल्ड नंबर एट पे भी चार्ल्स कोच है, कोच फैमिली के ये सीईओ हैं कोच, नंबर एट में चार्ल्स कोच, जैसे स्कॉच होता है ना, तो चार्ल्स कोच ये यूनाइटेड स्टेट के हैं, चार्ल्स कोच और कोच इंडस्ट्रीज के मालिक, काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस करते हैं चार्ल्स कोच, कोच फैमिली से हैं वर्ल्ड नंबर एट। वर्ल्ड नंबर नाइन पे जो है डी से बनता है डेविड कोच, ये भी इन्हीं के भाई हैं वर्ल्ड नंबर एट के, चार्ल्स कोच के, चार्ल्स डेविड, तो चार्ल्स और डेविड सी डी से याद रखें, कोच इंडस्ट्रीज ने चार्ल्स और डेविड को एट और नाइन्थ नंबर पे ला दिया है, तो चार्ल्स डेविड एट पे हैं और डेविड कोच नंबर नाइन पे हैं, और ये भी यूनाइटेड स्टेट के 60 बिलियन डॉलर इनकी मानी जाती है। अगर दोस्तों इन दोनों भाइयों की संपत्ति मिला दी जाए, चार्ल्स कोच की और डेविड कोच की, तो ये वर्ल्ड नंबर वन बन जाते हैं, और ये मेरे ख्याल से जेफ बिजोस को भी पीछे छोड़ देंगे, तो एट और नाइन नंबर पे कोच फैमिली का राज है। और लास्ट देखिए दोस्तों नंबर टेन पे ओरेकल के सीईओ हैं, ओरेकल कंपनी के लैरी एलिसन, लैरी एलिसन, लोरी में एलिसन, मेरे बेटे ने सबकी सब चीज भर ली, एली लॉरी एलिसन, आपको याद करना लॉरी से लॉरी ट्रक होता है, लैरी एलिसन, लॉरी से मेरे बेटे ने सब कुछ भर लिया, और अकल तो आपको याद आ जाएगा लॉरी एलिसन वर्ल्ड नंबर 10 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ए टू जेड करियर स्मार्ट ट्रिक्स, जीके मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग ट्रिक्स। और दोस्तों अब एक बार और हम चला रहे हैं आपके लिए ये, देखिए भूलना भूलना जाए, अब देखिए आपको केवल हमें नाम बताने हैं, हम यहाँ पे आपको ये वर्ड तो याद ही होगा जे बी डब्ल्यू बी एम ए सी सी डी एल, बस इस वर्ड को याद रखिए, आपको ये सारे के सारे याद आ जाएंगे। देखिए जे से वर्ल्ड नंबर वन अमेजन कंपनी के मालिक, याद आया दोस्तों बिल्कुल सही, जेफ बिजोस। वर्ल्ड नंबर टू बी से, बिल्कुल याद हो गया होगा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स। नेक्स्ट देखिए तीसरे नंबर पे डब्ल्यू से वॉरेन, मैंने बताया था इन्वेस्टर है, नंबर तीन है, बहुत होशियार है, बहुत जबरदस्त मेमोरी है, और इनके जैसी मेमोरी आपकी भी हो जाएगी दोस्तों, आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेरी वीडियो को बार बार देखते रहिए, और दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक वीडियो एक दिन में एक ही बार देखें ताकि आपको वो पूरी अच्छी तरह याद हो जाए, कभी भी सारी वीडियो एक साथ ना देखें, किसी भी बंदे की मेमोरी एक ही दिन में नहीं बढ़ सकती है, प्रैक्टिस से ही आपको करना होगा, प्रैक्टिस करते रहे, देखते रहे और मेरी वीडियो को शेयर करते रहे, और कोई भी कॉम्पिटिशन हो, बैंक पीओ क्लर्क कैट मैट एम बी एस एस सी बैंक रेलवे दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस और डी एम आर सी दिल्ली मेट्रो रेलवे, और हम जल्दी दोस्तों साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी भी आपको यूट्यूब पे शुरू करा रहे हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को ए टू जेड करियर स्मार्ट ट्रिक्स। वॉरेन बफेट नंबर तीन पे याद आ गए होगा दोस्तों देखिए जे बी डब्ल्यू से हो गया, बी से देखना है वर्ल्ड नंबर चार पे बर्नार्ड एर्नॉल्ड फ्रांस के हैं। वर्ल्ड नंबर फाइव पे बताइए दोस्तों 100% एक ही सेकंड में शायद आपने बता दिया होगा, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग। वर्ल्ड नंबर सिक्स पे ए से है, थोड़ा सा नाम इनका याद करना पड़ेगा आपको दोस्तों, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, एमा निको ओर्टिगा, एक मैन और आ गया, याद आया दोस्तों यूरोप से एमा निको ओर्टिगा छठे नंबर पे। सातवें नंबर पे सी से कार्लोस स्लिम, कार में लॉस हो गया था, इन्होंने स्लिम
मोबाइल बनाया था, कार में लॉस हो गया था, इन्होंने एक स्लिम मोबाइल बनाया था। तो याद आ गया दोस्तों, कार्लोस स्लिम, वर्ल्ड नंबर 7। वर्ल्ड नंबर 8 और वर्ल्ड नंबर 9 पे मैंने बताया था दोस्तों, दो ब्रदर हैं, दो भाई हैं, कॉच फैमिली से, याद आएगा सी और डी से याद आ जाएगा, चार्ल्स और डेविड। तो एक पे है चार्ल्स कॉच और 9 पे है डेविड कॉच। तो आराम से आपको याद हो गया होगा दोस्तों। वर्ल्ड नंबर 10 पे देखिए, और अकल के सीईओ हैं, मेरा सन से याद आ जाएगा, लॉरी याद आई होगी, लॉरी एलिसन। तो दोस्तों बस अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम नई से नई वीडियो आपके सामने ला सकें। ए टू जेड करियर स्मार्ट, जीके मैथ इंग्लिश रीजनिंग ट्रिक्स को सब्सक्राइब करें। जल्द ही इंग्लिश वर्ड पावर को याद करने के लिए मैं एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, उस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए तो वो बड़ी ही जबरदस्त वीडियो होगी, और आप उसका इंतजार कीजिए। इंग्लिश वर्ड पावर को कैसे याद करें, ऐसी वीडियो आज तक यूट्यूब चैनल पर नहीं आई है दोस्तों। आपको वो वर्ड्स चुटकियों में याद हो जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कैसे आप वो वर्ड्स चुटकियों में याद कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, गॉड ब्लेस यू फॉर ऑल सक्सेस इन योर लाइफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों, नई वीडियो का इंतजार कीजिए जो हम ला रहे हैं, इंग्लिश वर्ड पावर मेड इजी, कैसे याद करेंगे।